नंबर एक, क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए आप एक्चुअली पैसे कमा सकते हैं, विच मीन्स आप क्रेडिट कार्ड जैसे यूज करते हैं वैसे ही करिए, लेकिन उससे आपको फ्री के पैसे मिलेंगे। हाउ डज दैट इवन वर्क? ये पॉसिबल है थ्रू अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको एक तरीके से 30 या 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। वो ये बोलती है कि महीने की शुरुआत पे आप कुछ भी खर्चा करिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर महीने के एंड पे हम एक बिल या एक स्टेटमेंट जनरेट करेंगे और उसको पूरा पे करने के लिए हम आपको करीब करीब 2 हफ्ते देंगे। मतलब 30 से 45 दिन हम आपसे उस अमाउंट का कोई चार्ज नहीं लेंगे। हम मर्चेंट से पैसे कमा रहे हैं, तो जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जो मर्चेंट एक्सेप्ट करता है, बेसिकली रिटेलर या कोई भी हो, वो 1-2% क्रेडिट कार्ड कंपनी को देता है फॉर द यूसेज ऑफ दैट क्रेडिट कार्ड। उससे क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसा कमाती है। लेकिन अगर आप अपने महीने का पूरा बिल 100% 30 या 45 दिन के बाद चुका देंगे तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे कुछ नहीं कमाएगी। सो व्हाट डज दैट डू? इट बेसिकली गिव्स यू अ विंडो टू मेक मनी फ्रॉम दिस। फर्ज करिए कि आप अपने महीने का पूरा खर्चा, हर एक चीज, कुछ कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है, रेंट, ईएमआई वगैरह, लेकिन बाकी हर एक चीज, आपके बिजली का बिल, कपड़े का बिल, बाहर खाने का बिल, किताबों का बिल, टैक्सी का बिल, पेट्रोल का बिल, जो कुछ भी हो, सारी चीजें आप क्रेडिट कार्ड पे खर्च करते हैं, लेकिन आपके पास इसका पैसा है क्योंकि आपको वो सैलरी मिल चुकी है, देन एट द एंड ऑफ द मंथ आप वो पूरे और पूरा अमाउंट एक ही बार में चुका देते हैं थ्रू द क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड आप वो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट में। आप स्टॉक्स वगैरह में नहीं डाल सकते, यू हैव टू इंश्योर कि वो एक ऐसी चीज में जाए जहां आपका रिटर्न फिक्स्ड हो, एंड द बेस्ट थिंग फॉर दैट विल बी अ फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ, मैं फिक्स्ड डिपॉजिट सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन इस चीज के लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। तो आप अपनी पूरी सैलरी जो आपके महीने का खर्चा के इक्विवेलेंट होगी वो एक एफडी में डाल दीजिए 30 से 45 दिनों के लिए, एंड उस 30 और 45 दिनों में आप जितना भी इंटरेस्ट कमाएंगे that will be the extra income that you will generate absolutely free of cost. Kuch nahi aur karna hai siraye is cheez ke, and mahine ke end pe us FD ko liquidate karke apne credit card ka pura statement bhariye and make money. Now it becomes exciting jab aap isko ek lambe aur ek bade amount ke liye karte hain. To farz kariye aap ek phone khareedna chahte hain, to yahan aap dekhenge ek no cost EMI ka option hai. Agar main click karta hu to ek credit card company hai जो कि आपको 6 महीने का नो इंटरेस्ट ईएमआई दे रही है। मतलब यही 88,000 रुपीज आप 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 14,667 में पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास अगर ये क्रेडिट कार्ड होगा तो मैं ये ऑप्शन लूंगा। हाउएवर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पूरे 87,000 रुपीज है, 88,000, ये मेरे पास पहले से ही, बिकॉज दैट इज द बेसिस फॉर यू टू मेक मनी। तो अगर मेरे पास ये पहले से ही होगा, लुक एट हाउ दिस एंटायर प्रोसेस वर्क्स। तो मेरा टोटल अमाउंट 87,999 है, 6 महीने की मैंने ईएमआई ली है, तो मेरा ईएमआई 14,667 का बैठता है। अगर मैं देखता हूं कि अभी 6 महीने का एफडी का रेट क्या है, तो आई सी देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, हम थोड़ा एक सेफ ऑप्शन लेंगे। तो हम ये वाला लेंगे HDFC 6.25, ठीक है, ज्यादा उछलेंगे नहीं, तो 6.25। एंड अगर मैं ये करता हूं तो 6 महीने के अंदर यही 88,000 रुपीज अगर मैं एक एफडी में डाल दूं, देन आई विल अर्न 2,750 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। सो दिस इज वन वे फॉर यू टू मेक मनी थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, अगर आप उसको स्मार्टली यूज करते हैं। इसके लिए 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। नंबर एक, कोई भी परचेज करने से पहले पूरे का पूरा अमाउंट आपके पास पहले ही होना चाहिए, सो यू आर नॉट मेकिंग अ परचेज जहां आप वाकई में एक लोन ले रहे हैं, ना ना ना। नंबर दो, आप पूरा का पूरा मंथली बिल एक ही बार में चुकाएंगे, यू विल नेवर गो फॉर अ मिनिमम अमाउंट ड्यू। स्टेप नंबर टू, रिवॉर्ड पॉइंट्स। जब भी आप एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, मर्चेंट को जो कि रिटेलर है 1-2% देना पड़ता है। अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज इस 1-2% पे जितना भी पैसा कमाती हैं, उसका थोड़ा सा अमाउंट वो वापस आपको देती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत बढ़िया तरीके से यूज किए जा सकते हैं। आप उसको एयरलाइन टिकट्स के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं किसी एयरलाइन का, या आप उसको कैशबैक के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, उनके अपने अपने क्रेडिट कार्ड हैं, तो आप उससे यूज कैशबैक कमा सकते हैं। आप उनको गिफ्ट वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं जो बोलते हैं इतने पॉइंट्स पे आपको 500 रुपए का या 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, इस ब्रांड का, उस ब्रांड का, फलां ढंग का। सो यू आर इसेंशियली फॉर मेकिंग द सेम परचेज जो आप जिंदगी में वैसे भी करेंगे, अर्निंग रिवॉर्ड पॉइंट्स
and that is a great way for you to save money and thus make money. इसी के चलते step number 3, apps like Cred बहुत बढ़िया तरीके से हमें और pamper करते हैं। वो बोलते हैं यार क्रेडिट कार्ड कंपनी तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दे ही रही है, उसके ऊपर मैं भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट दूंगा। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट क्रेड के थ्रू करते हैं देन यू स्टार्ट अर्निंग रिवॉर्ड पॉइंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास एक अनबिलीवेबल नंबर ऑफ क्रेड कॉइंस है, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल एक टाइम पे बहुत ज्यादा था, मैं उसको काफी वक्त के लिए यूज भी कर रहा था। आई हैव बीन अ क्रेड यूजर फ्रॉम डे वन, कुणाल इज अ गुड फ्रेंड, तो व्हाट ही इज बिल्ट आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो मैंने बहुत सारे क्रेड कॉइंस गैदर कर लिए हैं। अब व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट इज इसके थ्रू आई हैव ओपनड अप अ होल होस्ट ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप क्रेड कॉइंस यूज करके गेम्स खेल सकते हैं, जैकपॉट विन कर सकते हैं। इतनी बार मैंने किसी एक चीज में पार्टिसिपेट किया तो मुझे थोड़ा सा कैशबैक मिल गया, मैंने कहीं और पार्टिसिपेट कर दिया तो कहीं कोई और कैशबैक मिल गया। प्लस ever since they've opened up shopping, it's opened up a whole new host of things, kyunki number one mujhe unke products bahut interesting lagte hain, bahut interesting se unique product hote hain jo I don't go about looking for or searching for, lekin agar mil jaye then it's like oh ye bhi cheez le sakte hain, ye bhi cheez le sakte hain, so it encourages me to actually think about new products, new brands, look at new categories hold together, and cred coins use karke us आइटम के प्राइस को मैं कम भी कर सकता हूं, एंड देन दैट हेल्प्स मी जस्ट सेव मनी एंड दस मेक मनी थ्रू द एक्सचेंज। द बेस्ट थिंग अबाउट क्रेड जो मैंने फंडामेंटली यूज करने का सोचा था वो ये था, मेरे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स थे, उनको मैनेज करना, उनके बिल्स को ट्रैक करना, अगर कहीं कोई अनड्यू चार्ज लग चुका है या कोई लेट पेमेंट फी लग चुकी है जो कि नहीं लगनी चाहिए तो उसका एक अलर्ट मिल पाना, वो सारी चीजें क्रेड मैनेज करता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज माय रेकमेंडेड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग दैट हैज गॉट टू डू विद क्रेडिट कार्ड्स। दिस पोस्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रेड, आई एम डियर फ्रेंड्स विद कुणाल, तो ये बहुत बायस्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर आप भी क्रेड यूज करेंगे यू विल नॉट हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम व्हाट आई हैव, क्योंकि इट इज एब्सोल्युटली अ प्रोडक्ट दैट वर्क्स अलोंग द लाइंस ऑफ व्हाट आई सजेस्टेड। तो नंबर 3, क्रेड को यूज करके ओवर एंड अबव द क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स आप और ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं एंड बी अ पार्ट ऑफ क्रेडिट वर्दी इंडिविजुअल्स जिसके थ्रू यू increase your social status. Number 4, and this is very interesting kyunki bahut kam log credit card ko is nazariye se dekhte hain. Ek cheez hoti hai CIBIL score. CIBIL score ke upar maine ek bahut detailed video banaya tha of how can you increase your CIBIL score, what is CIBIL score. Basically CIBIL score is a measure of your credit worthiness. Basically हमारे देश की सारी banks connected हैं और वो ये बोलती हैं कि जिस इंसान ने भी कभी ना कभी कोई लोन लिया है या कर्ज लिया है उसको कैसे ट्रैक करें, उसने क्या वक्त से EMI भरी, कितना लोन लिया हुआ है, कितना भी बचा हुआ है, कभी कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है। ऑल ऑफ दिस इज ट्रैक्ड ऑन अ सिंगुलर प्लेटफॉर्म एंड रिपोर्टेड थ्रू समथिंग कॉल्ड अ CIBIL स्कोर। CIBIL स्कोर ऑल द वे टू 900 तक होता है, एंड इफ योर CIBIL स्कोर इज ग्रेटर देन 800 तो आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत 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 बढ़िया है। बट हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कायदे से आप एक लोन ले रहे हैं, राइट, वो एक महीने के लिए या 45 दिन के लिए, और अगर आप बहुत अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ वो क्रेडिट कार्ड का लोन हर महीने चुका रहे हैं दैट मींस आप एक महीने लोन लेते हैं उसको चुका देते हैं, फिर लोन लेते हैं उसको चुका देते हैं, फिर लोन लेते हैं उसको चुका देते हैं, एंड इफ यू डू दैट रेगुलरली आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़िया रहेगी, इट विल इंप्रूव, इट विल एक्चुअली बी वेरी हाई, एंड इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा for loans that you take in the future. Loans जो कि meaningful है, for example home loan. Home loan हम में से हर एक इंसान किसी ना किसी point पे लेता ही है, and आपके credit score या CIBIL score के तहत आपका rate of interest जो आपको मिलता है home loan पे वो change होता है. Did you know that? It is actually different. And if you don't believe me, here is what you should see. LIC Housing Finance Home Loan Interest Rates Based on CIBIL Score. तो आप देखेंगे कि अगर आपका CIBIL Score 800 से ऊपर है तो आपको 8.65 पे लोन मिलेगा, अगर आपका 750 से 799 में है तो वो 8.75 बन जाएगा, अगर 700 से 750 के करीब है तो 9.05, 600 से 699 है तो 9.3, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको लगेगा ये तो बड़े बड़े छोटे छोटे परसेंटेज है, इतना क्यों उतावला हो रहा है अंकुर बारी को,
लेट्स लुक एट दिस ऑन अ एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट पे मैंने 800 से ज्यादा सिबिल स्कोर का पूरा डेटा डाल दिया। 8.65% जैसे कि बताया, ये नंबर वेरी करता रहता है लेकिन अभी के अभी 8.65 है। लेट्स अज्यूम कि हम 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं, होम लोन, एंड हम 25 साल के लिए ले रहे हैं, लेट्स से 25 साल। तो इसकी ईएमआई बनती है करीब करीब 80,000 रुपए, 81,536 रुपी प्रिसाइज। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ दीज 25 ईयर्स हम बैंक को 2,44,00,000 रुपए वापस करेंगे। पहले तो झटका इसी पे लग जाता है कि यार 1 करोड़ का लोन लिया है और हम 1,44,00,000 इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, बट वो अलग बात है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब आपका सिबिल स्कोर इससे कम होता है, 8.75 अगर, तो सेम हम 1 करोड़ ही लेंगे, तो लेट्स मेक दिस एंड यहां भी ये करेंगे 25 एंड ईएमआई फिर कैलकुलेट करते हैं। तो ईएमआई जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, 82,000 हो जाती है, फिर 84,000, फिर 85,000, बट लेट्स सी टोटल अमाउंट कैसे हिलता है। एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट द एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप देते हैं एंड यू विल सी द डिफरेंस। अगर आपका सिबिल स्कोर 750-799 के बीच में है, तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ दिस होम लोन 2,00,000 रुपए एक्स्ट्रा बैंक को देंगे। अगर यही 600 या 699 के बीच में है, तो आप बैंक को करीब 13,50,000 रुपए ज्यादा देंगे। सेम लोन, सेम टेन्योर, सेम बैंक, सिर्फ और सिर्फ कम सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर होने की वजह से आप 13,50,000 के करीब ज्यादा बैंक को देंगे। Why would you do that? Because this money saved is money earned. So the right way to use a credit card is credit card use karke har mahine uski payment puri kariye and you will have a high credit rating kyunki aap ek natural loan ya credit worthy individual bante rahenge and that will tell banks ki agar aapko ek loan milta hai then the possibility that you will default ya you will not pay your EMI on time is very low. तो हम आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। फोर्थ वे ऑफ मेकिंग मनी थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। एंड नंबर 5, सिंपल ऑफर्स। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आए दिन कोई ना कोई ऑफर चलाते रहते हैं। दिस इज ओवर एंड अबव द रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आपको अपनी परचेस पे मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इज ओवर एंड अबव क्रेडिट कॉइन्स जो आपको क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने पे भी मिलेंगे। दीज आर कैशबैक ऑफर्स मोस्टली जो कि मोमेंटरी होते हैं लेकिन बहुत स्पाइक करते रहते हैं। जहां जहां भी फेस्टिव सीजन आता है या कोई Amazon या Flipkart की सेल आ गई है तो हर जगह दे स्टार्ट स्प्रिंगिंग अप। फॉर example, कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड अभी एप्पल के प्रोडक्ट्स पे फ्लैट 6,000 रुपए, 9,000 रुपए, 12,000 रुपए दे रहे हैं। दिस इज लाइक फ्री मनी, आपको कुछ नहीं करना है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज टू बी एन ओनर ऑफ दैट क्रेडिट कार्ड। तो अगर उस क्रेडिट कार्ड की ईयरली फीस भी है जो कि कायदे से नहीं देनी चाहिए लेकिन अगर आप देते भी हैं तो वो एक ही परचेज में आप गेन कर सकते हैं एंड एक्चुअली अर्न मनी थ्रू ओनिंग अ क्रेडिट कार्ड। ये 5 तरीके टू बी अ स्मार्ट इंडिविजुअल, यूज अ क्रेडिट कार्ड टू योर एडवांटेज, क्योंकि अगर आप उस पैसे को डिप्लॉय करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में तो आप फ्री पैसा कमाते हैं। अगर आप नो कॉस्ट EMIs यूज करते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। अगर आप कैशबैक्स यूज करते हैं तो पैसा कमाते हैं। अगर आप कायदे से अपना बिल पेमेंट पे करते हैं तो आपको लो इंटरेस्ट मिलता है, उससे आप पैसा कमाते हैं। और अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स क्रेडिट से करते हैं तो उससे आप पॉइंट्स कमाते हैं जिसके थ्रू आपको मल्टीपल एक्सेस मिलता है टू सेव मनी, टू अर्न मनी एंड उसके थ्रू पैसा कमाते हैं। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बहुत लोगों को लगता है कि बुरी चीज है लेकिन अगर उसको स्मार्टली यूज किया जाए, जो कि हम सब करना चाहते हैं एंड आप करना सीख चुके हैं, देन यू बिकम स्मार्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एन इन्वेस्टर। अंकुर वारिकु साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।